अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनेगा मैंगो अपसाइड डाउन केक, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और जो कि बहुत ही कम अदरक के साथ बहुत मज़ेदार केक तैयार होने वाला है। ये केक विदाउट ओवन बनता है एंड आई होप कि आप लोगों की फैमिली और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ये भी इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो दूसरी बार भी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक अंडा, 1/3 कप हमें पाउडर शुगर चाहिए, यहाँ पर 3 टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए। आप यहाँ बटर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऑयल ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 टेबल स्पून हमें चाहिए मिल्क, 1 टीस्पून हमें चाहिए वनीला एसेंस, मैदा हमें चाहिए 1/2 कप, बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1/2 टीस्पून और बेकिंग सोडा हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। और मैंगो इस तरह से आपको कट कर लेने हैं फ्राइज जैसे। तो व्यूअर, सबसे पहले हम तैयार करेंगे कैरेमल, जिसको बनाने के लिए हमें 4 टेबल स्पून शुगर चाहिए और 3 टेबल स्पून हमें चाहिए वाटर। तो आप इन दोनों चीज़ों को पैन में डालकर हल्का सा हीट अप करना है, आपने लो हीट पर आपने इसे पकाना है, पहले आपने इसे मेल्ट करना है। इस तरह से चम्मच चलाते रहना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। लो फ्लेम पर आपने ये सारा काम करना है और इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। अगर आप इसको डार्क ब्राउन कर देंगे तो केक आपका कड़वा हो जाएगा और फिर आप लोग मुझे कहेंगे कि ये रेसिपी मैंने गलत बताई, तो ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। और आपने इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन, देखिए लाइट ब्राउन कलर आ गया है, बिल्कुल बस लाइट ब्राउन कलर आएगा और आपने उतार लेना है, बिल्कुल डार्क नहीं करना। तो यहाँ पर अपने केक मोल्ड में आप इसे डाल देंगे इस तरह से और पूरा स्प्रेड कर लेंगे इवनली सही से कि कहीं से भी बाकी ना रहे। और इस तरह से मैंगो स्लाइसेस जो काट के रखे थे हमने, वो हम इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे राउंड शेप में। अगर आपका स्क्वायर शेप का है तो आप स्क्वायर शेप की तरह से सेट कर लीजिएगा। तो केक मोल्ड को इस तरह से आपने पहले से रेडी करके साइड पर रख देना है। तो अब हमने क्या करना है कि मैदे में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मिक्स करके आपने साइड पर कर देना है अच्छे से। यहाँ पर पहले इन तीनों चीज़ों को, ड्राई इंग्रेडिएंट हैं क्योंकि ये, तो हम इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर एक बॉल में अंडा तोड़कर डालना है और इसे अच्छे से बीट करना है। और इसमें हम यहाँ पर 1/3 कप शुगर यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीनी करके डालनी है, पूरी एक साथ नहीं डालनी, क्योंकि अगर आप पूरी एक साथ डाल देंगे तो अंडा क्रीमी नहीं होगा बीट और ये बिल्कुल अच्छा बीट नहीं होगा। तो आपने थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है और इसको बीट करना है जब तक ये क्रीमी ना हो जाए। आप चाहें तो आप यहाँ पर बीटर मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हैंड विस्क यूज़ किया है, हैंड विस्क से, और ये 3 मिनट लिए हैं इसने बीट होने में, तो ये क्रीमी हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट और हम दोबारा से बीट करेंगे वनीला एसेंस डालने के बाद। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बटर या ऑयल, मैंने यहाँ ऑयल यूज़ किया है 3 टेबल स्पून। अब हम दोबारा इसे बीट करेंगे अच्छे से और फिर अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून मिल्क और फिर दोबारा से अच्छे से बीट करना है। और अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट मिलाने की, तो आहिस्ता आहिस्ता 3-3 टेबल स्पून आपने करके इसमें ऐड करने हैं, पूरा एक साथ ऐड नहीं करना। याद रहे कि अगर आप सारा एक साथ ऐड कर देंगे तो फिर वो आपके लिए मुश्किल होगा, लम्स बन जाएंगे और केक अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से आपने इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि मैंने 1/2-1/2 करके ऐड किया है और यहाँ मैं दोबारा 1/2 ऐड कर रही हूँ जो बच चुका था। अब इसको अच्छे से हम फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल ऐसा कंसिस्टेंसी हमें चाहिए कि बिल्कुल लम्स ना हो। तो यहाँ बैटर 2 मिनट लगेंगे, आपको हाथ से थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन आप देख सकते हैं कितना लम्स फ्री हमने बना लिया है बैटर। और यहाँ बैटर तैयार है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पैचुला की हेल्प से मैंने बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। और अब हम इसको टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। और यहाँ मैं इसको बेक कर रही हूँ प्रेशर कुकर, पिछले 10 मिनट से मैंने इसे प्री हीट कर लिया है वायर एग रखकर। और अब मैं इसमें केक रख रही हूँ। यहाँ मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये साइड से बहुत गर्म था, और आप भी केयरफुल होकर रखिएगा वरना कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम कुकर बंद कर देंगे और इस विदाउट प्रेशर रेगुलेटर आपने इसे रखना है। और यहाँ 30 मिनट गुजर गए हैं और मैं कुकर खोल कर देख रही हूँ, तो यहाँ केक अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे टूथपिक इंसर्ट करके। तो यहाँ मैं इसे चेक कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आया है, तो दैट्स मीन कि केक बेक हो चुका है। अगर आपका टूथपिक साफ ना आए तो आप उसको 5 मिनट के लिए और बेक कर लीजिएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ ये आप नाइफ से इस तरह से साइड से हटा लेंगे और किसी भी फ्लैट प्लेट पर आपने इस तरह से इसको टर्न करना है, और ये केक बन गया है। तो यहाँ केक बेक हो चुका है। तो व्यूअर्स आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, और ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई होप व्यूअर्स के आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। फिर आऊँगी कोई नई रेसिपी लेकर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।